दुकान संभाल, मैं आधे घंटे में आई। ओके। अरे ये 2000 का नकली नोट मुझे किसी ने चेप दिया, ये कहाँ चलाऊँ मैं? कितने के ये खिलौने सारे? 30 का या 40 का या 50 का? सारे कितने के हैं? 5000। अब ये 2000 ले लो और ये सारे मुझे दे दो, ठीक है? आंटी पर मेरे पास सिर्फ 1400 रुपए हैं। कोई बात नहीं बेटा, जितना है उतना ही दे दो आप मुझे। बेटा सारे खिलौने कहाँ गए? एक आंटी आई जो ने सारे खिलौने ले लिए। ये नोट तो नकली है बेटा, हमारे पूरे महीने की कमाई चली गई। दिखा नोट। असली तो है। बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, आप मदद करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। बच्चे की तबीयत खराब है, ये तुम्हें पैसे चाहिए नशे करने के लिए? घिन आती मैं तुम जैसे लोगों पे, जाओ। हाँ जी, बच्चे के हेल्थ इश्यूज जी भाई, ये तो एक्सपायरी हो गया है। डॉक्टर साहब मेरे पास ये पैसे हैं, प्लीज मेरे बच्चे का इलाज कर दीजिए आप। नहीं, इतने पैसे सिर्फ नहीं हो पाएगा, मेरे हाथों में नहीं है सब सवाल। अब एक आदमी को देखा था जो परेशान सा था। हाँ जी, वही जो लोगों से पैसे मांग रहे हैं बच्चे के इलाज के नाम पर। हाँ, वो खम्बे के पास खड़ा है। थैंक यू सो मच, मैं डॉक्टर हूँ, मैं उनके बच्चे के इलाज के लिए उन्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए नशे करने के लिए? घिन आती मैं तुम जैसे लोगों पे, जाओ। बेटा आप रहने दो, आप गंदे हो जाओगे। पता नहीं ये बॉस भी इतनी गर्मी में क्या क्या काम पकड़ा देते हैं। अंकल अंकल, क्या है? अंकल अंकल, ये आपको डस्टबिन में फेंक दी गई थी। अबे तो तू फेंक दे। अंकल आप बहुत गंदे हो। तो मैं बताता हूँ। क्या साहब, क्यों बच्चे को डांट रहे हो? सही तो बोल रहे हैं ये। क्या हुआ बेटा? अरे बॉस, आप इन छोटे लोगों की बातों में मत आओ। पापा, जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सच है। पापा, बता नहीं सकती थी, ये तेरा बेटा नहीं है। इनफ, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी नितिन, मैं तेरे प्रमोशन की सोच रहा था, लेकिन जिसे देश और देश के लोगों की परवाह नहीं है उसके लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। यू आर फायर्ड। चलो बेटा। ये क्या, इनकी फोटो नीचे गिरी हुई है? मेरे पैसे। चलो कुछ नहीं होता, इनकी आखिरी फोटो तो बच गई, पैसे चले गए तो क्या हो गया? आपके पैसे गिरे हुए थे उधर। शुक्रिया भाई साहब,